और बड़ा अच्छा लगा आने के बाद। यहां पर शास्त्री जी है, नाम सुंदर लाल जी शास्त्री। सबसे पहले वो हमारे आश्रम पधारे करसोक से, पधारे और उन्होंने बहुत कुछ जानने की कोशिश की कि क्या है ध्यान, क्या है कर्म कांड के माहिर थे सबसे बड़ी बात। देखिए आए, 5 दिन हमारे आश्रम में रहे, 5 दिन हमारे आश्रम में रहे, जानने की कोशिश की आनंद कैसे मिलता है, आनंद क्या चीज है, ध्यान क्या चीज है। पढ़ा बहुत था उन्होंने, भागवत करते थे, प्रैक्टिकल अनुभव जानने की कोशिश की। हमारे महाराज जी के पास आश्रम में आए और प्रैक्टिकल तरीका जानने की कोशिश की और उनको बहुत कुछ मिला उससे। अगर YouTube पर उनका अनुभव पुष्ट जाने तो बहुत कुछ आपको उनसे मिलेगा। देखिए एक डॉक्टर ने मेरे से प्रश्न किया कि पूजा की क्या जरूरत है। जरूरत क्या है पूजा की, क्यों करें, क्यों टाइम वेस्ट करें। और ज्यादातर जो हमारा समाज है आज की तारीख में, क्योंकि मैं तो बाहर भी जाता रहता हूं, पहला प्रश्न ये होता है कि वाई वेस्ट टाइम, क्यों आधा घंटा सुबह माला लेके बैठे और आधा घंटा शाम को माला लेके बैठे, परमात्मा की याद करें, परमात्मा का नाम लें, क्या फायदा, परमात्मा को किसने देखा है। जब ये बात सामने आई तो मैंने एक प्रश्न किया उनसे कि भाई आप सोते क्यों हैं, ठीक है, अगर पैसा कमाना है तो 3 पारी लगाइए, 24 घंटे काम कीजिए, पैसा का पैसा, शोहरत की शोहरत, नाम, अगर नाम के लिए करते हो तो नाम मिलेगा, पैसे के लिए करते हो तो पैसा मिलेगा। तो उन्होंने कहा जी कि अगर सोएंगे नहीं तो 1 हफ्ते में पागल हो जाएंगे। मैंने कहा ऐसे इंजेक्शन लगाइए, निकालिए कि इंजेक्शन लगाया जाए और काम किया जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, 1 हफ्ते के अंदर हमारा दिमाग जो है बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ये उन्होंने फिर कहा। तो अब मैंने उनसे पूछा कि आप की जो साइंस है वो सिर्फ बॉडी तक ही सीमित है, उससे ऊपर उठेगी नहीं है। एक्चुअली क्या है कि हमारे 3 शरीर है हमारे पास। पहला स्थूल शरीर, जो डॉक्टर लोग हैं वो स्थूल शरीर की ही सेवा करते हैं और हम भी उसी की सेवा करते हैं, नाना धुलाना, खाना खाना, स्थूल शरीर। अब दूसरा एक शरीर और है जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार से मिलकर बना है, मन, और तीसरी है आत्मा। आत्मा का आपके शरीर से कोई लेना देना नहीं है, आत्मा में सिर्फ चैतन्यता है और आनंद है। जो हम बाहर देखते हैं, बाहर की किसी चीज में आनंद नहीं है, ना बाहर की किसी चीज में आनंद है, ना किसी मिठाई में आनंद है, ना किसी खाने में आनंद है। इससे पहले करसोग में आया, बच्चों के सामने मेरे को बैठा दिया गया और उसमें एक लड़के ने प्रश्न किया कि साहब आनंद क्या चीज होती है। मैं कहा एनालाइज करो कि आनंद है क्या, एनालाइज करने की कोशिश की तो समझा नहीं पाया। मैंने बड़े छोटे शब्दों में उसको ये कहा कि अगर 1 लड्डू खाओगे तो कितना आनंद आएगा, कहते मजा आ जाएगा। मैं कहा 2 लड्डू खाओगे तो कितना आनंद आएगा, कि मजा आ जाएगा। मैंने 1 पाव खाओगे तो कहता धीरे धीरे आनंद कम होना शुरू हो गया। तो
तो आनंद लड्डू में नहीं है, आनंद अपने मन के अंदर है। और कैसे उसको हम आनंद को एक्टिवेट करते हैं हमारे ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो हम सोते हैं उसमें प्रक्रिया क्या होती है कि हमारी जितनी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हमारे पास हैं, वो सारी मन के अंदर सिमट जाती हैं रात को सोते हुए। ना उस टाइम पे खाते हैं ना पीते हैं, जब सुबह उठते हैं तो प्रफुल्लित तरीके से उठते हैं और बाखूबी अपने काम पर लग जाते हैं। ये हमारे मन की विशेषता है। अब क्या 24 घंटे हमारा मन चल रहा है, 24 आवर्स। दिन में हम काम करते हैं और रात को मन जो सपना दिखाता है, तब है क्या कि बड़े आराम से 24 घंटे हमारा मन चलता रहता है। दिन में हम काम करते हैं, रात को सपना देखते हैं, उसको आराम नहीं है। आज की जो हमारी वृत्ति है, इसलिए हम अपने बारे में सोचते नहीं। हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने इस चीज को जाना और हमारा देश आध्यात्मिक देश कहलाया। कि अगर बैक हिस्ट्री उठा के देखिए अपनी, आगे मत देखिए, पीछे देखिए, एक पीढ़ी पीछे देखिए, उसके और पीछे देखिए, और पीछे देखिए, और पीछे देखिए, तो देवभूमि है ये, देवताओं की संतान है हम लोग सारे गुजारे। थोड़ा इमेजिन करिए। इसी की वजह से हमारे यहाँ आध्यात्मिक देश कहलाया और हम उसकी आराधना सालों सालों से करते चले आ रहे हैं देव के। और हर हमारे भारत देश के अंदर हर 20 किलोमीटर पर देव बदल जाता है और साधना बदल जाती है, दोनों चीजें। साधना एक ही है, भाषा बदलती है, देव बदलता है। क्यों? कि हमारे अपने अपने तरीके हैं पूजा पाठ करने के, सारे के सारे सब जो है पूजा पाठ करने के अपने अलग अलग तरीके हैं। और सबका जो मकसद है वो एक ही है कि हम ध्यान योग में प्रवेश करें। ध्यान के अंदर आनंद है, दूसरी चीज। जैसे जैसे ध्यान में आप बढ़ते चले जाएंगे, वैसे ही वैसे आपको इंटरनल शक्तियों का अनुभव होने लगेगा और आप ध्यान अवस्थित होकर अपने पूरे जीवन को बड़े आराम से पार कर सकते हैं, बहुत आराम से। ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपके पास होगी, ना कोई मेंटल प्रॉब्लम आपके पास होगी। पॉजिटिव वाइब्रेशंस को इकट्ठा करते चले जाएंगे, नेगेटिव वाइब्रेशंस अपने आप कम होते चले जाएंगे। जितना परमात्मा को याद करेंगे उतना पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके पास होंगे, जितना आप संसार को याद करेंगे उतने नेगेटिव वाइब्रेशंस आप संभालते चले जाएंगे। हमको अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन को एकत्र करना है सारा का सारा। कैसे करेंगे? अब एक हफ्ता मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको हर तरीका आपको बताता चला जाऊँगा कि इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ते चले जाएंगे और बाखूबी ता जिंदगी बड़े आराम से पार कर सकते हैं। तो क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा मन 24 घंटे चल रहा है, दिन में सोचता है और रात को सपने दिखाता है, 24 घंटे चलता है। अब क्या है कि जैसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान योग, आप देखिए उठा के गुरु नानक देव को देखिए, कबीर साहब को देखिए, तुलसीदास को देखिए, अगर उनकी आप फोटो देखे तो सारे ध्यान योग के अंदर शामिल होते थे और बड़े आनंदित रहते थे सारे के सारे। चाहे वो अपना है, जितने देवी देवता आप देखें तो सारे हिसाब से अपने हिसाब से चलते थे। हमारे टाइम पर वही चीज चलती चली आ रही थी। अब क्या हुआ, थोड़ा फास्ट हो गया हमारा सिस्टम और उन चीजों को भूल गए, भूलते चले जा रहे हैं। तो उन चीज को, जो पुरानी चीजें, उनको रिवाइव करना बहुत जरूरी है। ठीक है, परमात्मा हमारी पूजा का भूखा नहीं है, हम उनकी आराधना के भूखे हैं, सबसे बड़ी बात। आराधना करते हैं ये सोचते हैं कि हमारा घर बार अच्छा चले, परिवार अच्छा चले, सारी चीजें ठीक ठाक चलती रहे, बड़ी सुंदरता से हम अपने जीवन यापन करके अपने बच्चों के साथ, अपने समाज के साथ बाखूबी इस चीज को प्राप्त कर पाए। अब क्या हुआ, मन 24 घंटे चल रहा है तो ऋषि मुनि ने कहा कि आप एक जगह अपने मन को लगा दीजिए। ठीक है,
एक जगह अपने मन को लगाएंगे, आपके मन के अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा और आपको यह महसूस होगा कि हमारे इष्ट का नाम हमारे साथ चल रहा है। जब ऐसा होगा तो मन इतना हल्का होगा आपका कि फौरन आपको निद्रा का एहसास होना शुरू हो जाएगा। बैठते आप अगर रात को सोए भी हैं उसके बाद भी अगर ध्यान अवस्थित होंगे, जैसे ही मन खाली हुआ ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आनी शुरू होगी और थोड़े टाइम आपको निद्रा, इतना आनंद, इतना सुख चैन उस टाइम पर आपको मिलता है कि अगर आपने प्रक्रिया कर ली तो एक घंटे के बाद आप 24 घंटे काम कर सकते हैं। हमारे महाराज जी 18 घंटे काम करते थे, साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे, उन्होंने लिख दिया कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। अगर ये प्रक्रिया आप करेंगे तो इस ये अनुभव आपको होगा, ये करेंगे तो ये अनुभव होगा। साक्ष्य प्रस्तुत किया हमारे सामने। तो अब क्या हुआ कि जैसे मन आपका खाली हुआ, आपका जो मन है वो आपकी आत्मा में से मट गया, जा गया, उसको वहां से एनर्जी मिली। एनर्जी कौन सी मिली? चेतनता और आनंद, दोनों चीज। इतना आनंद हमारे शरीर के अंदर है, बाहर के किसी चीज में इतना आनंद नहीं है। अब इसको प्राप्त कैसे करें? सबसे बड़ी बात कि कैसे किया जाए जो हम हमेशा आनंद रहे। वो तरीका मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। तो उस डॉक्टर ने उसको थोड़ा समझ आया, उसके बाद कहा कि जिसको नींद नहीं आती उसको सोने की गोलियां देते हैं, सुलाते हैं जबरदस्त, जिससे उसके मन को और आत्मा को आराम मिला। अब है क्या कि जब मन तेज चलने लगता है तो अग्रेशन आ जाता है शरीर के अंदर। एक आदमी अगर 15 दिन किसी काम को करना शुरू करे और पूरा ना हो तो 16वें दिन उसको या डिप्रेशन होगा या अग्रेशन होगा। तो हम परमात्मा को माने या ना माने, पर अपनी हस्ती को मानना बहुत जरूरी है। हम अपने आप को कैसे बैलेंस करके चल सकते हैं वो हमको समझने की बहुत जबरदस्त जरूरत है। ठीक है, तो क्या है कि जैसे सोच विचार का काम है हम सूक्ष्म शरीर से करते हैं और तीसरा शरीर आत्मा कारण शरीर है, जहां आत्मा नहीं वह शरीर बेकार हो जाता है। जिसे आप इतना प्यार करते हैं, आत्मा निकल गई तो दोनों शरीर आपके बेकार हो जाते हैं। तो क्या है कि होता क्या है कि जब हम सोते हैं ना आंख देखने का काम करती है, ना कान सुनने का काम करते हैं, ना नाक सुनने का काम करती है, सारा शरीर जो है मन के अंदर सिमट जाता है, क्रिया रूप से ही होता है। तो निष्क्रिय हो गई। अब ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर है जो मैंने आपको बताया, इसको भी आराम देना बहुत जरूरी है और इसके लिए ऋषियों मुनियों ने हमें पहचाना जाना और बहुत सुंदर रास्ता हमारे सामने रखा। अब क्या है कि इसके लिए बहुत जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि आधा घंटा सुबह, आधा घंटा सायंकाल हमको आराधना पूजा अपने इष्ट देव की करनी चाहिए, जिसको मानते हैं उसको। ठीक है, जितना मानते हैं, जिसको मानते हैं उसको करिए, कि चाहे आप गृहस्थी हों, चाहे सन्यासी हों, चाहे स्वामी हों, चाहे किसी भी तरीके को मानने वाले हों, आधा घंटा सुबह आराधना शुक्राना अवश्य करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर हमको दिया, कर्म करने का अधिकार दिया और चेतनता दी। बाकी 84 लाख योनियाँ जो हैं भोग योनियां हैं और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं, अपने किसी ना किसी तरीके से पूजा आराधना करते हैं। बहुत से लोग आधा घंटे से ज़्यादा भी करते हैं। यदि पूछें कि इस पूजा का क्या लाभ होगा तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि पूजा का लाभ हुआ। अधिकतर ये कहते हैं कि हमारे घर में मंदिर है, हम पूजा आराधना करते हैं और परमात्मा से डरते हैं, ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है,
और हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी पूजा करते हैं। अगर इस पूजा का कोई आंतरिक लाभ हुआ तो ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो कहेंगे कि पूजा का आंतरिक लाभ हमको हुआ। और इन संतों ने जो गृहस्थ के अंदर हुए उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा तरीका बताते हैं, अगर इस तरीके से पूजा पाठ करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। सबसे बात क्या है, इसे हर कोई अपना सकता है, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने रास्ते पे चलते हुए, अपने मत पर चलते हुए इस रास्ते को बड़ी आसानी से तय कर सकता है। अब क्या है, संसार में हर मजहब में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी है और दूसरा निराकार। तो क्या है, बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, इनमें कोई नई बात नहीं, इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, पर बात क्या है, वाद विवाद चलते हैं, लेकिन सब होते हुए आज तक दोनों पद्धति कायम है। जो साकार पुजारी है आपको साकार पुजारी भी नजर आएंगे, अनिराकार पुजारी भी नजर आएंगे। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को मूर्त से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है। साकार पुजारी, उनका सर्वप्रथम कार्य क्या है कि एक इष्ट का निश्चित करना, एक को मानना, ठीक है, एक इष्ट का निश्चित करिए। और अब क्या है, जब एक इष्ट को निश्चित करेंगे और जो दूसरे भाई लोग हैं जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं, वो निराकार पुजारी। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। साकार पुजारी, उनका सबसे बड़ा काम मैंने आपको बताया, इसमें किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है कि जो गुरु कहे वही हम करें, बिल्कुल नहीं है। क्या है कि अपनी आपकी जो आत्मा है सबसे बड़ा गुरु है, आप घर के मालिक हैं और जो चाहते हैं वो घर के अंदर होता है। इसमें भी आप उसी चीज को चुने, आपकी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूरत, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, उसे अपनाइए, उसी को अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी की आराधना करें, उसी का ध्यान करें, उसी की याद करें, पर बदले नहीं उसको। कभी ऐसा नहीं कि आज राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों शिव की। अगर ऐसा करेंगे तो इसका विशेष लाभ आपको नहीं होगा। वास्तव में क्या है, जो पूजा का मकसद है वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, और उससे ऊपर उठे तो मैं आपको यह कहूंगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239 677।